आइए बात करते हैं मकर लग्न वालों की। तो मकर लग्न वालों के लिए अप्रैल 2022 के महीने की हम आपको बात कर रहे, उसके पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल आपके लग्न राशि के आधार पर अगर आप देखते हैं तो यह राशि फल आपके ऊपर सटीक रहेगा। अगर आपको आपकी लग्न राशि नहीं पता है तो आप अपने जो है कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस आप कमेंट में दे देते हैं तो हम आपको आपकी लग्न राशि बता देंगे। बशर्ते यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर अगर आप फॉलो करते हैं तो यह राशि फल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं मकर लग्न वालों की। तो मकर लग्न वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शनि से संचालित होते हैं और शनि का गोचर है वो आपके लग्न में रहेगा और 28 अप्रैल के बाद आपके सेकंड हाउस में यानी कि कुंभ राशि में चला जाएगा। यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा और यह जो गोचर है आपको फाइनेंस, प्रॉपर्टी, यात्रा, आपकी आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। यह गोचर की हम आपको बात करें तो यह जो लग्नेश का जो गोचर कहीं ना कहीं जो सेकंड हाउस में बनता है वो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। यह गोचर के दरमियान आपको अपने वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, नॉनवेज ड्रिंक का सेवन नहीं करना है तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपकी सेकंड हाउस में मंगल की स्थित मंगल सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे तो कहीं ना कहीं वाणी गड़बड़ करा सकते हैं तो वाणी के कारण आपके कोई काम ना बिगड़े उसका आप विशेष ख्याल रखें। पार्टनरशिप को भी लेकर यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपका कहीं ना कहीं सरकारी या कोई कागजात आपका फंसा हुआ है कोई डॉक्यूमेंट तो यह गोचर वश आपका काम बनता नजर आएगा। यह गोचर वश कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक और 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कहीं ना कहीं यात्रा की युग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान आप कार वाहन आदि अगर आप चलाते हैं तो पूर्णतः तकेदारी पूर्वक चलाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर जो है गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। बशर्ते 12 अप्रैल के बाद जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए है उनके लिए जो है कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट या कोई इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर जो है गोचर कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नहीं दिख रही है क्योंकि 4th हाउस में राहु का गोचर रहेगा और 10th हाउस में केतु का गोचर रहेगा। यह गोचर वश कहीं ना कहीं आपको भागदौड़ वाली स्थिति यह गोचर वश आपको देखने को मिलेगी। कार्यस्थल को लेकर कहीं ना कहीं यात्राएं होगी और कार्यस्थल में अगर आप सामंजस्य बना के चलते हैं कहीं ना कहीं अपने से ऊपरी अधिकारी के साथ तालमेल बैठा कर चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर यह जो गोचर है कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई न कोई धन लाभ के योग बन रहे हैं तो हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख, 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कहीं ना कहीं बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते उग्रता से बचना है और कड़वी वाणी बोलने से बचना है तो यह गोचर आपके लिए वैवाहिक जीवन को लेकर बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है गोचर कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। अपने खान पर पान पर आप विशेष ख्याल रखते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। पेट में जलन की शिकायत रहेगी, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी आपकी और पाइल्स की दिक्कत यह गोचर वश देखने को मिल रही है। आंखों में जलन की शिकायत रहेगी और हड्डी में समस्या आपको यह गोचर वश आपको देखने को मिलेगी। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का यह गोचर वश आप विशेष ख्याल रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते संतान की। तो संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और यह बढ़िया रहेगा संतान को लेकर। और जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है वह यह गोचर दरमियान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखे और अप्रैल 2022 का जो महीना है वो मकर लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन आप संकल्प के साथ साथ हनुमान चालीसा के पाठ कर लेते हैं, भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं, बुजुर्गों के अगर आप आशीर्वाद लेते हैं और कुष्ठ रोगियों को कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था अगर आप कर लेते हैं करा देते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। नमस्कार। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न वालों की। तो कुंभ लग्न वालों के लिए अप्रैल 2022 का महीने की हम बात करें उससे पूर्व आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर अगर आप फॉलो करते हैं तो यह राशि फल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा।
अगर आपको आपकी लग्न राशि नहीं पता है तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट में दे दीजिए, हम आपको आपकी लग्न राशि बता देंगे। बशर्ते यह जो राशिफल आप लग्न राशि के आधार पर अगर आप फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न वालों की, तो कुंभ लग्न वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शनि से संचालित होते हैं और शनि का जो गोचर रहेगा वो 28 अप्रैल के बाद आपके लग्न में रहेगा। यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, पिछले एक डेढ़ साल से कहीं ना कहीं ट्रांसफर, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं आपके पैसे ज्यादा, धन खर्च होना, कोई कोई समस्याओं से आप जो भी गिरे हुए थे वो कहीं ना कहीं 28 अप्रैल के बाद शनि आपके लग्न में आएगा तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका आपके काम बनते नजर आएंगे। यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। यह गोचर या दरमियान कहीं ना कहीं आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, आर्थिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं सुधार आपको देखने को मिलेगा, पराक्रम साहस एवं अपने आप को आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अपने बड़े भाई बहनों से भी यह गोचर वर्ष आपको लाभ बनता नजर आएगा, ससुराल पक्ष से भी यह गोचर वर्ष आपको कहीं ना कहीं लाभ बनता नजर आएगा। वैवाहिक जीवन को लेकर जो है कहीं ना कहीं आपके लिए मध्यम रहेगा, बस उग्रता से बचना है तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा और करियर को लेकर भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। आपके फोर्थ हाउस में राहु का गोचर है और टेंथ हाउस में केतु का गोचर है और कहीं ना कहीं 12 अप्रैल के बाद वहां से मूव हो जाएगा, तो कार्यस्थल को लेकर जो भी आप पिछले एक डेढ़ साल से चिंतित थे, कहीं ना कहीं आपकी अस्थिरता आप महसूस कर रहे थे कार्यस्थल पर, कहीं ना कहीं आपकी जो कहीं ना कहीं काम बिगड़ते चले जाते थे लगातार, तो यह स्थिति में कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का यह गोचर वर्ष आपको विशेष ख्याल रखना है, वो कार्यस्थल पर आप कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को एनर्जेटिक एवं साहस से भरा आप महसूस करेंगे, क्योंकि टेंथ हाउस का लॉर्ड मंगल बनता है और मंगल का गोचर लग्न में रहेगा, बशर्ते उग्रता से बचना है तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। आर्थिक स्थिति में भी यह गोचर वर्ष आपको सुधार देखने को मिलेगा और जो कोई भी आपका सरकारी कागजात कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंटरी आपका फंसा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं यह गोचर वर्ष जो धीरे धीरे यह काम आपका सरकारी कामकाज जो है बनता नजर आएगा। यह गोचर वर्ष कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे, तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं, 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 17 तारीख से लेके 20 तारीख तक और 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक और 30 तारीख तक, कहीं ना कहीं 30 तारीख को यात्रा के युग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार आदि वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो पूर्णतः तकेदारी पूर्वक चलाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा, जो विद्यार्थी लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं और जो विद्यार्थी रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, डॉक्टरी फील्ड से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं यह गोचर उनके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं कैरियर की, तो कैरियर को लेकर यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उग्रता से बचना है क्योंकि केतु टेंथ हाउस से मूव हो जाएगा तो कैरियर को लेकर जो दिक्कत थी वो कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कर्ज लेने व कर्ज देने से यह गोचरीय व्यवस्था दरमियान आपको बचना है। बात कर लेते हैं धनलाभ की, तो धनलाभ की यह गोचरी व्यवस्था दरमियान योग बन रहे, तो हम आपको धनलाभ की तारीख बता देते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कहीं ना कहीं धनलाभ की योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर कहीं ना कहीं यह गोचर वर्ष जो है वो मध्यम रहेगा, 15 अप्रैल के बाद सुधार देखने को मिलेगा, बस उग्रता से बचना है तो यह गोचर वर्ष आपको जो है कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना कम करने को मिलेगा। बात कर लेते स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर जो है गोचर वर्ष जो कहीं ना कहीं मध्यम रहेगा, ओवर ईटिंग भोजन से बचना है और यह गोचर वर्ष जो है कहीं ना कहीं यूरिक एसिड की समस्या है गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी, यूरिन में जलन की शिकायत यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी, हड्डी और आंखों की समस्या यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी, तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं संतान की, तो संतान को लेकर यह गोचर कहीं ना कहीं मध्यम रहेगा, संतान के स्वास्थ्य का यह गोचर वर्ष आपको विशेष ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं उपाय की, तो यह अप्रैल 2022 का जो महीना हो कुंभ लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। भगवान सूर्य कौर्दियम गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का आप यथासंभव जप कीजिए और 2 से 9 साल की छोटी कन्याओं को अगर आप कहीं ना कहीं भेंट सौगात या भोजन या कोई नाश्ते की अगर आप व्यवस्था करा देते हैं खास करके शुक्रवार को, तो यह गोचर आपके लिए जो कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा।
नमस्कार। बात कर लेते हैं मीन लग्न वालों की, तो मीन लग्न वालों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहने वाला है यह हम आपको बताए, उसके ऊपर हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आपको आपकी लग्न राशि नहीं पता है तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट में दे दीजिए, हम आपको आपकी लग्न राशि बता देंगे। बस यह जो राशि फल है वो आप लग्न राशि के आधार पर अगर आप फॉलो करते हैं तो यह राशि फल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं मीन लग्न वालों की, तो मीन लग्न वाले जो होते हैं वो कहीं कहीं बृहस्पति यानी कि जुपिटर गुरु ग्रह से संचालित होते हैं और गुरु का जो गोचर रहेगा कहीं ना कहीं 13 अप्रैल के बाद मीन लग्न वालों की लग्न में यह गोचर रहेगा। यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर बढ़िया रहेगा, संतान को लेकर, वैवाहिक को लेकर, भाग्य को लेकर, यात्रा को लेकर, यह सभी जो है वो कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यह गोचर जो वर्ष दरमियान कहीं ना कहीं आपके विवाह के योग बन रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 से लेके 23 अप्रैल 2023 तक विवाह के योग बन रहे हैं, तो यह गोचर उसके लिए भी बढ़िया रहेगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि रहेगी, धर्म कर्म के प्रति आपका झुकाव रहेगा, आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्रा के पीछे आप कहीं ना कहीं धन खर्च करेंगे, यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं निखार आपको यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी। संतान का सुख और संतान से सुख यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस को लेकर भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। आप जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं करेंगे और धार्मिक यात्राओं के पीछे आप अपना धन खर्च करेंगे। वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल रखना है। बसरते सेकंड हाउस में राहु का गोचर रहेगा। तामसिक भोजन नहीं लेना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। यह गोचर व आर्थिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा और आपकी बैंक बैलेंस में कहीं ना कहीं जो है वो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेंगे। आप यह नोट डाउन करके चलिएगा। पराक्रम साहस में भी यह गोचर वर्ष आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और यह गोचर दरमियान कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे, तो आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे। यात्रा के दरमियान कार आदि वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो पूर्णतः तकेदारी पूर्वक चलाते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर यह गोचर बढ़िया रहेगा। बसरते प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े जो विद्यार्थी उनके लिए भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा और जो विद्यार्थी मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं कैरियर की, तो कैरियर को लेकर यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे कोई व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं जॉब चेंज करना चाहता है या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो यह गोचर वो साफ जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। यह गोचर दरमियान आपकी फाइनेंस की स्थिति बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बैंक बैलेंस में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है, वो कहीं ना कहीं लोट में अमाउंट देता है ज्यादा। आप यह नोट डाउन करके चलिए, आपको यह स्थिति देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं। बसरते 7 अप्रैल से लेकर कहीं ना कहीं 26 अप्रैल तक आप जो है वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आप सामंजस्य बना के चलते हैं क्योंकि सप्तम भाव का जो लोड रहेगा बुध, वो कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस में रहेगा मारक स्थान में, तो वैवाहिक में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इन टाइम समय दरमियान यह जो है वो आप सामंजस्य बना के चलते हैं तो बढ़िया रहेगा। और जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए विवाह के योग 13 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक विवाह के योग बन रहे हैं। बात कर लेते स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर बसरते कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बसरते अपने आंखों में जलन की शिकायत रहेगी और हड्डी में भी यह गोचर वर्ष समस्या देखने को मिलेगी, पेट में दिक्कत रहेगी और पाइल्स की समस्या है गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी, तो आप उसका ख्याल रख के चलिए। बात कर लेते संतान की, तो संतान को लेकर बढ़िया रहेगा, संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, संतान से भी यह गोचर वर्ष कहीं ना कहीं लाभ संभव है। तो अप्रैल 2022 का महीना मीन लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं और गायत्री भगवान सूर्य को अर्ध्यम गायत्री मंत्र का अगर आप यथासंभव जप कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। बशर्ते आपको ओवर ईटिंग भोजन से बचना है, तामसिक भोजन लेने से बचना है और नॉनवेज ड्रिंक का अगर आप सेवन नहीं करते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा।
नमस्कार।